अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रदेश में बदहाल होते हालात पर उठे सवाल, क्या कर रहे हैं प्रदेश के तीन तीन पालनहार, अपराध क्यों होता जा रहा है बेलगाम, कोरोना के बढ़ते केस क्यों नहीं हो रहे हैं कम, आखिर सरकार के वादे क्यों हो रहे हैं झूठे साबित, प्रदेश सरकार के तीनों प्रधान आखिर क्यों हो रहे हैं फेल। उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात देखकर सियासत पर तो सवाल उठता ही है, साथ ही मौजूदा वक्त की सत्ताधारी पार्टी की नीतियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इस बात का है कि प्रदेश के पालनहार तमाम दावे तो कर रहे हैं लेकिन एक भी दावा सच्चाई का जामा पहनता नहीं दिख रहा है। क्राइम के कंट्रोल करने का दावा तो जुलाई की शुरुआत से लेकर अब तक जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो बताते हैं कि प्रदेश सरकार का दावा दमे का शिकार हो गया है। कोरोना को कंट्रोल करने का जितना ढिंढोरा पीटा गया लेकिन अब लगातार बढ़ते केस कोरोना के मामले में भी सरकार की पोल खोल रहे हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि एक प्रदेश की कमान एक मुख्यमंत्री और दो उनके सहायक मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। प्रदेश की पब्लिक के तीन पालनहार हैं लेकिन तीनों के तीनों आखिर फेल क्यों दिखाई दे रहे हैं। खासकर बात की जाए डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य की तो दोनों ही नेता गुमनामी का शिकार हो गए हैं। हर काम हर स्कीम और हर प्रेस वार्ता में योगी जी दिखते हैं लेकिन प्रदेश की कमान संभालने में मदद करने वाले केशव और शर्मा का कहीं अता पता नहीं लगता। ऐसे में सवाल उठता है कि एक प्रदेश के तीन तीन प्रधान होने के बाद भी प्रदेश के इतने बुरे हालात क्यों हैं? आखिर प्रदेश की स्थिति को बेहतर बनाने का दावा करने वाले बदहाली के दलदल में प्रदेश को क्यों ढकेलते चले जा रहे हैं? और अगर कोई सवाल करता है तो फिर उसे सरकार विरोधी करार दिया जाता है। प्रदेश के दूर दराज के हिस्सों की बात तो छोड़ दीजिए, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए और मेट्रो सिटीज की बात की जाए तो कोरोना ने सरकार की व्यवस्थाओं की ऐसी फजीहत कर पाई है कि सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए। लेकिन सरकार के चमचे इस फजीहत को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहे हैं। गजब की बात यह है कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन अपहरण और हत्या के मामले सामने ना आ रहे हों लेकिन भक्त बिरादरी फिर भी योगी के सिर सबको चंगासी का साफा बांधकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में भले ही सरकार की आंखों पर काट का चश्मा लगा हो लेकिन आवाम नंगी आंखों से झूठ सच और हकीकत को परख रही है और देख रही है। वक्त आने पर आवाम इसका जवाब भी देगी लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल इस बात का है कि विपक्षी दलों के सवालों पर सरकार को मिर्ची लगती है फिर आवाम के हित में सरकार क्यों ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में आवाम पूछ रही है कि उनका पालनहार कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।